नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज में हूँ आपके साथ मोहन कुशवाहा जैसा कि आपको पता है हर रोज कुछ नया कुछ यूनिक दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आता हूँ उसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की जो खेती होगा है। देखिए है की अशोकनगर जिले में ये मिट्टी में हो सकती है नहीं इस सबकी जानकारी के लिए सर हमारे साथ मौजूद हैं तो सर से इस संबंध में पूरी जानकारी लेंगे तो सर आपका हमारे चैनल में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हैं क्या नाम इसके जरा मैं डॉक्टर भवानी शंकर गुप्ता प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान के नशोक नगर में हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी की हमने यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में इसका परीक्षण करने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ की जलवायु के हिसाब से स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है तो ये आपके यहाँ लगा है जिसका परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहा है काफी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है काफी अच्छी इसमें फ्लॉवरिंग भी है और फल भी जो कलर आ रहा है वो भी अच्छा उत्साहजनक है तो इसको हमने प्रयास किया है कि हमारे यहाँ के किसान भी अगर इसकी खेती करना चाहें तो यहाँ अनुकूलता है कि नहीं तो ये जो हम पिछले वर्ष से ये कर रहे हैं तो काफी अच्छा ये हमको देखने को मिला है कि स्ट्रॉबेरी यहाँ की जलवायु में भी आसानी से की जा सकती है तो किस तरीके से इसको करते हैं ऐसा थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्योंकि जो किसान भाई करना चाहें तो उनको जानकारी देखिए यार जो किसान भाई लगाना चाहे तो इसको लगाने के लिए पौधे लाना पड़ेंगे इसके पौधे लगाए जाते हैं सकर से भी इसके पौधे तैयार होते हैं इसकी जो तने हैं जो जमीन में मिट्टी के साथ चलते हैं तो वो ये नया पौधा उससे तैयार हो जाता है तो उससे ही पौधे तैयार हो सकते हैं और प्रारंभ में खेती करने के लिए हमने पौधे जो मंगाए थे इंडो एसेंस एग्रोटेक ये उमेश बौद्ध जी हैं गुना के उन्होंने सोलन से हमको पौधे ला कर के दिए थे और पिछली वर्ष भी लगाई थी और हमने चार पांच किसानों को भी दिया था लेकिन वो किसान तो सफल नहीं हो पाए लेकिन हमारे यहाँ पिछले बार भी उत्पादन आया था चूँकि प्रथम वर्ष था तो उतनी सही तरीके से नहीं हो पाया लेकिन इस बार जो इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है बहुत अच्छी है तो किसान भाई अगर लगाना चाहते हैं तो ये खेत में भी लगा सकते हैं और खेत में नहीं लगाना है जिनके पास जमीन नहीं है या टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वो किसान भाई टेरेस गार्डनिंग में गमलों में भी इसकी खेती कर सकते हैं तो सर जैसे बात करें रोग की बात करें तो इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं बचाने के लिए क्या क्या अपन को करना पड़ता है देखिए रोग वगैरह इसमें है अभी तक तो हमने देखे कोई विशेष नहीं आते हैं रस चूसने वाले कीड़ों का थोड़ा सा देखा गया था इसके लिए हमने जो वनस्पति आधारित हमारे जो गौमूत्र के साथ मिला करके जिन नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र है इनका ही हम लोगों ने प्रयोग किया है और बाकी की जो एक किस्म है ये किस्म हमारी लगी हुई है ये विंटर डॉन वेराइटी है जो कि यहाँ की जलवायु में आसानी से हो जाती है और दूसरी किस्में भी आती हैं चार्ली है कैम है ये भी यहाँ पे हो सकती है तो इनको लगा सकते हैं जो किसान भाई लगाना चाहे तो एक एकड़ में लगभग बीस हजार के लगभग पौधे आते हैं तो किसान भाई इसको लगा सकते हैं इसके लिए मल्चिंग बहुत जरूरी है तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो मल्चिंग कर रहे हैं वो प्लास्टिक मल्चिंग में करके वो हमारा जो पुआल होता है धान का या घास की मल्चिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे यहाँ जो हमने ये जो लगाई है इसमें जो हमने किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक की या किसी भी कीटनाशक का इसमें हमने उपयोग नहीं किया है पूरी तरह से ये प्राकृतिक खेती के आधार की गई है और कोई भी इसमें हमने रासायन का प्रयोग नहीं किया है बीच में थोड़ा सा इसमें एफिड टाइप के और कुछ मच्छर टाइप के दिखाई दे रहे थे तो उसके लिए हमने जो निमास्त तैयार करके उसका ही छिड़काव किया है बाकी का मतलब विशेष रोग अभी तक हमको देखने के लिए नहीं मिले हैं सर ऐसे की आय की बात करें इसकी बिक्री की बात करें तो क्या देखिए एक पौधे से जब इसको व्यापारिक खेती अपन प्रारंभ करेंगे तो लगभग 500 ग्राम से लेकर के और 800 ग्राम तक इससे फल आ सकते हैं और सामान्य तौर पर अगर एवरेज मान लें कि अपन को 400 ग्राम के लगभग भी फल मिलेंगे तो ये मान लीजिए कि एक एकड़ में अपन को लगभग ये मान लीजिए सात से आठ क्विंटल उपज मिल सकती है और आराम से सौ डेढ़ सौ और दो सौ रुपये किलो क्योंकि अभी मार्केट में जो स्ट्रॉबेरी व्यापारी बेचते हैं वो बाहर से बुलाते से। हैं महाराष्ट्र से आती है या इधर से हिमाचल तरफ से आती है और उसको बेचते हैं जो प्लास्टिक के डब्बे रहते हैं उनमें दो दो सौ ग्राम की पैकिंग में वो लोग बेचते हैं और यहाँ पे अभी लोकल लेवल पर उपलब्ध नहीं है अभी एक दो नवयुवकों ने प्रारंभ किया एक है एक राहुल शर्मा जी हैं हमारे पड़रिया के और दूसरे एक और कल, कल ये नवयुवक आए थे वो हमारे चिरोला के हैं तो वो लोग भी ये, ये इसका थोड़ा सा उन्होंने भी परीक्षण के तौर पर प्रारंभ किया है व्यापारिक तौर पर अभी अशोकनगर जिले में इसकी खेती नहीं हो रही है लेकिन हमने परीक्षण किया है तो इसको किसान भाई आसानी से इसको कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं तो सर ने स्ट्रॉबेरी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है तो आप देख सकते हैं छोटे स्तर पर सर ने अभी ये प्रयास छोटा सा करके देखा है अशोकनगर की जो जलवायु उसमें किस ये होता है या नहीं होता ये सर ने आपको जानकारी पूरी दे दी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर